लाइक पाकिस्तान ने जैसे ये इनिशिएटिव लिया है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को इनवाइट करके और हम चाहते हैं कि वो आईटी एंड डिजिटल पॉलिसी उनकी क्या है, उनका रोड मैप क्या है, अगले पाँच साल वो क्या करेंगे डेवलपमेंट का काम. सो ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई बिफोर द इलेक्शन दे ऑल शुड बी इनवाइटेड एंड दे ऑल शुड बी स्पीकिंग अबाउट दैट. व्हाट वुड यू से अबाउट दिस इनिशिएटिव? आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल इनिशिएटिव, बल्कि मैं कहूँगा कि दिस इज़ मस्ट टू डू थिंग बिकॉज टेक पाकिस्तान इज़ more relevant to the technology and the IT platform. So you have invited the person on to talk about the IT policy. तो इन्होंने ही जा कर के हमारे इस आवाज़ को कहीं ना कहीं जाके आगे represent करना है. इनके कान में हमें आवाज़ डालनी है कि people have seen और what we need in the country from the IT perspective, from the IT platform. तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, ये आज इनको हम बता रहे हैं. ठीक है, आज हमें ये सुन भी रहे हैं, इनके पास टाइम भी है, सुनने को तैयार भी हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का. मेरे ख्याल में ये जो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, दिस इज़ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आज हमने भी देखा कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग थे और सॉफ्टवेयर हाउसेस और आईटी के रिप्रेजेंटेटिव, मी माई सेल्फ फ्रॉम द आईटी एजुकेशन बैकग्राउंड. तो वो हमने अपनी गुजारिशात या अपने जो भी क्वेश्चंस थे उनके सामने रखे कि व्हाट विल बी देयर पॉलिसी रिगार्डिंग फ्रीलांसर, रिगार्डिंग आईटी एजुकेशन, रिगार्डिंग वोकेशनल एजुकेशन, रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, रिगार्डिंग गेटवे इश्यूज, जो जो भी हमने फेस किए. तो उनको हमने जब देखा तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल थिंग एंड वी शुड कंटिन्यू दिस. जैसे आपने देखा कि आईटी मिनिस्ट्री सिंध में मौजूद थी बट आईटी बोर्ड मौजूद नहीं था, एंड वी फील के सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए. कोई गवर्नमेंट की तरफ से कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए लास्ट गवर्नमेंट में. सो टेक पाकिस्तान अपने तई अपनी कोशिश से, अपनी पॉकेट से एक प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हुआ और सिंध के, और ना सिर्फ सिंध के बल्कि पाकिस्तान के जितने टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जितने टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने मेंटर्स हैं, उन सबको अंडर अम्ब्रेला एक जमा करने में कामयाब रहा. एंड नाउ द थिंग्स आर जस्ट मूविंग ऑन. जैसे हम फ्रीलांसर्स की एसोसिएशन बना रहे हैं, गर्ल डिजिटल लीडर हमारा प्रोग्राम है, टेक टीवी हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आईटी के हवाले से एक अच्छी जो है वो कंटेंट बच्चों को पहुंचा रहे हैं. सो व्हाट वुड यू से ओवरऑल दिस? आप माशाल्लाह एक अरसे से इतने सारे बच्चों को टीच कर रहे हैं आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो टीचिंग आपकी रही है, खासतौर पर अपटेक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सो आप इस चीज़ को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, व्हाट वुड यू से अबाउट टेक पाकिस्तान प्लेटफॉर्म एंड टेक पाकिस्तान से नीचे? देखें, अगर किसी भी मुल्क की तरक्की करनी है तो उसके लिए आईटी उसका बैकबोन है. विदाउट आईटी यू कांट मूव एन इंच. ठीक है, बल्कि आप पीछे जा रहे होंगे. अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सिंध का इतना बड़ा सूबा है, इतनी पॉपुलेशन है, और उसके अंदर आईटी बोर्ड का ना होना, मकसद ये हमारे लिए एक नहायत अफसोसनाक सिचुएशन थी. ठीक है, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसमें टेक पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया. और ठीक है, मकसद यू कांट बी द सिंध आईटी बोर्ड, बट एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सिंध के आईटी के लोगों को. पावर मौजूद नहीं है बिकॉज यू आर नॉट द गवर्नमेंट, राइट? कि सिंध आईटी बोर्ड के अंदर अगर कि सिंध आईटी बोर्ड इस्टेब्लिश हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उसको इस टेक पाकिस्तान के मॉडल को एडॉप्ट करना है जी. उसको एडॉप्ट करना है और उसको लेकर के आगे चलना है. इफ़ यू लुक अराउंड अक्रॉस कंट्री, दिस इज द ओनली बॉडी जो कि एक क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है इन 15,000 के करीब स्टूडेंट, बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर. तो वो उन बच्चों को भी आगे, ठीक है, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, विजन देना, उनको ट्रेनिंग देना, लेकिन देयर हैज टू बी समबडी जो कि फिर हमारे बाद उनको एडॉप्ट करे. ठीक है, और उनको आगे गाइडेंस प्रोवाइड करे, मेंटोरिंग हो उन बच्चों की. तो वो सारा जो भी मैं समझता हूँ गैप जो है वो टेक पाकिस्तान के थ्रू इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे.